हेलो। देखिए, सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आपका जूरिसप्रूडेंस का ये लास्ट लेक्चर रहेगा और एक चैप्टर आपका मुख्य रूप से छूटा है और वह चैप्टर है लीगल पर्सनालिटी। फिर पर सबको ये भी बताया जा रहा है कि सभी लोगों को एक बार ये भी बताया जा रहा है कि लीगल पर्सनालिटी में जो बातें जो बातें जुरिस्प्रूडेंस में बताई गई है, अगर यूपीजे में आपका 15 क्वेश्चन आता है तो 15 में भाई आपका 13 क्वेश्चन श्योर मिलेगा, 2 क्वेश्चनों की गारंटी नहीं है। तो आइए आपका देखा जाए, जुरिस्टिक पर्सन या लीगल पर्सन या विधिक व्यक्ति या विधिक व्यक्तित्व, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो पर्सन शब्द है यानी कि व्यक्ति हैं, वह 2 प्रकार का होता है। एक आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम यानी कि बनावटी। बनावटी का मतलब ये हुआ कि वास्तव में वह मानव नहीं है, यानी कि न तो भोजन कर सकता है, न पानी पी सकता है, न चल सकता है इत्यादि, फिर भी जबरदस्ती कानून उसे व्यक्ति जैसा मान लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कृत्रिम या आर्टिफिशियल या बनावटी व्यक्ति कहेंगे। दूसरे व्यक्ति होते हैं नेचुरल। नेचुरल का मतलब जैसे हम लोग हैं, यानी कि जो मानव होते हैं वह नेचुरल पर्सन कहलाते हैं। अब पर्सन शब्द का आपका इतिहास देखना है और इतिहास से हम शुरू करते हैं। देखिए, जहाँ तक इंग्लिश शब्द पर्सन की बात है, यह लैटिन के परसोना से बना है, यानी कि इंग्लिश वर्ड पर्सन शब्द लैटिन के परसोना से बना है। और जो ये परसोना शब्द हैं, यह यूनान के प्रोसो पोन से रिलेटेड है, अर्थात परसोना शब्द यूनान के प्रोसो पोन से उत्पत्ति इसकी हुई है। अब हमें प्रोसोपोन के बारे में जानना है, यानी कि चूंकि यूनान में उत्पत्ति हुई तो प्रोसोपोन का मतलब क्या हुआ ये जानना है। देखिए, जहाँ तक यूनान की बात है, यूनान में नाटक खेले जाते थे और लोग आप मुखौटे पर मास्क लगाते थे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यूनान में आपका ड्रामा होता था, नाटक खेले जाते थे और उस नाटक में जो व्यक्ति लोग होते थे वे अपने मुख पर मास्क लगाते थे, यानी कि मुखौटा लगाते थे, और शुरुआती दौर में उसी मुखौटे को ही व्यक्ति कहा जाता था। धीरे धीरे इस स्थिति में विकास होता है और जो व्यक्ति मुखौटा लगाता था अब उसे ही व्यक्ति कहा जाने लगा। फिर धीरे धीरे इसका विकास हुआ और 6वीं शताब्दी आते आते, यानी कि 6th सेंचुरी आते आते, जो ये पर्सन शब्द था, ये वाद की कार्यवाहियों के रूप में प्रयोग होने लगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कौन वह व्यक्ति हैं जो अपने नाम से न्यायालय में सूट फाइल कर सकता है, या वह कौन व्यक्ति हैं जिसके विरुद्ध उसके नाम से
सूट फाइल किया जा सकता है। इनकी वर्तमान समय में याद रखिएगा व्यक्ति का मतलब ये हुआ वाद के पक्षकार, यानी कि जिन व्यक्तियों को वाद का पक्षकार बनाया जा सकता है उन व्यक्तियों को ही वर्तमान में व्यक्ति कहा जाता है, भले वह प्राकृतिक व्यक्ति हो या कृत्रिम व्यक्ति हो, उससे मतलब नहीं है। अर्थात लास्ट में ये बता दिया जाए शुरुआती दौर में कि जिन व्यक्तियों को जो व्यक्ति वादी के रूप में वादी हो सकते हैं या प्रतिवादी हो सकते हैं वर्तमान में, उन्हीं को पर्सन कहा जाता है। अब आइए, ये तो आपका ये भूमिका रही। इसके बाद जो आपका पढ़ना पड़ता है वह पढ़ना पड़ता है आपका परिभाषा, यानी कि विधिक व्यक्ति की परिभाषा या जुरिस्टिक पर्सन की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा से भी क्वेश्चन बन चुका है और यहाँ को अच्छे से याद रखना है। देखिए डिफिनीशन, आपका जो सामंड महोदय हैं, सामंड महोदय क्या परिभाषित करते हैं ये देखिए। विधिक व्यक्तित्व मानव प्राणी से इतर ऐसा विषय है जिसको विधि व्यक्तित्व प्रदान करती है तथा जिसे विधि के अंतर्गत अधिकार या कर्तव्य धारण करने योग्य समझा जाता है। ये परिभाषा भी पूछी जा चुकी है, फिर एक बार देखिए। अर्थात सामंड के अनुसार लीगल पर्सन किसे कहा जाएगा, तो सामंड ये कहते हैं कि जो लीगल पर्सन होते हैं वह मानव प्राणी से इतर होते हैं, इतर मतलब सिवाय होते हैं। अर्थात मानव प्राणी से सिवाय जो व्यक्ति हैं उन्हें आपका विधिक व्यक्ति कहा जाता है। फिर यानी कि मानव प्राणी विधिक व्यक्ति नहीं है, मानव प्राणी से भिन्न जो संस्थाएं हैं सामंड उनको विधिक व्यक्ति मानते हैं। दूसरी इनकी परिभाषा, जिसे कानून पर्सनालिटी प्रदान करता है, यानी कि आपका पर्सनालिटी प्रदान करता है और जिसे कानून के अंतर्गत अधिकार या दायित्व धारण करने के योग्य समझा जाता है। यानी कि ये जो जुरिस्टिक पर्सन है, सतर्क यहीं रहना है कि अगर अधिकार या कर्तव्य दे, यानी कि राइट आर बीच में लगाए ड्यूटी दे, तो ये सामंड कहे हैं। और इसी में अगर अधिकार और कर्तव्य लग जाए तो चिपमैन ग्रे। फिर एक बार इस टेक्निकल क्वेश्चन को पकड़िए। अगर अधिकार या कर्तव्य धारण करने योग्य दे बीच में आर रहे तो आपका सामंड मारना है, और बीच में और रहे तो ये परिभाषा किसकी रहेगी, चिपमैन ग्रे की। अब आ जाइए दूसरा विद्वान चिपमैन ग्रे हैं, इसको देखा जाए। चिपमैन ग्रे ये परिभाषा भी पूछी जा चुकी है, देखिए क्या कहते हैं। विधिक व्यक्ति एक ऐसा अस्तित्व है जिस पर कर्तव्य और अधिकार और अधिरोपित किया जाता है, यानी कि जो जुरिस्टिक पर्सन है वह एक ऐसा अस्तित्व है, यानी कि ऐसा मौजूदा विषय वस्तु है जिस पर कर्तव्य और अधिकार, यानी कि ड्यूटी एंड राइट आपका अधिरोपित किया जा सके, यानी कि उसके कर्तव्य और अधिकार दिया जा सके या उस पर अधिरोपित किया जा सके, ये चिपमैन ग्रे की परिभाषा है। फिर जॉन ऑस्टिन की भी परिभाषा जे में पूछा गया है। अब जॉन ऑस्टिन के अनुसार अवस्था अथवा प्रास्थित से वेष्टित मनुष्य ही विधिक व्यक्ति कहलाता है, यानी कि ऐसा मनुष्य जिसे स्टेटस दिया गया है, प्रास्थिति से संवारा गया है,
यानी कि उसको कुछ राइट और लाइबिलिटी और ड्यूटी हैं, वहीं जो मनुष्य होगा वह आपका कह सकते हैं कि जुरिस्टिक पर्सन होगा। यानी कि ऑस्टिन की परिभाषा में एक बात ये निकलती है कि ये केवल मानव को ही विधिक व्यक्ति मानते हैं, मानव से इतर अन्य विषयों को जुरिस्टिक पर्सन नहीं मानते। इस प्रकार आपका जो परिभाषाएं थी वह परिभाषाएं समाप्त हो गई। अब दूसरे पॉइंट पर जो हमें पढ़ना है वह पॉइंट आपको अच्छे से जानना है और वहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। परिभाषा के बाद जो हमें पढ़ना है वह ये पढ़ना है कि कौन से व्यक्ति आपका जुरिस्टिक पर्सन है। फिर एक बार जुरिस्टिक पर्सन हम बताएं भाई, विधिक व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि वह कौन से व्यक्ति हैं जो अपने नाम से न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं या उनके विरुद्ध उनके नाम से मुकदमा दायर किया जा सकता है। वे कौन से व्यक्ति हैं, तो इस बारे में एक एक करके पॉइंटों को देखना है और अलग अलग व्यू से चलना है। जैसे मूर्ति को देखना है, मस्जिद को देखना है, गुरुद्वारे को देखना है, मृत व्यक्ति को देखना है, अनबार्न पर्सन या अजात को देखना है। और इसी में आपका क्वेश्चन यहाँ से भी पशुओं को देखना है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका पहला हम देखा रहे हैं अजन्मा। अजन्मा का मतलब हुआ अजात व्यक्ति। अजात व्यक्ति का मतलब अनबार्न पर्सन। तो आपका ये पैटर्न महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व जन्म के साथ शुरू होता है तथा मृत्यु के पश्चात समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सनालिटी है, ये पैटर्न की परिभाषा आ चुकी है, थोड़ा इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, फिर बताया जाए। किस विद्वान ने कहा था कि व्यक्तित्व जन्म के साथ प्रारंभ होता है और मृत्यु पर समाप्त हो जाता है, तो ये पैटर्न महोदय ने कहा, अंडरलाइन कर लेना है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि पैटर्न महोदय के अगर कोटेशन को हम देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि अजन्मा विधिक व्यक्तित्व नहीं रखता, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति जन्म नहीं ले लेता तब तक आपका उसको लीगल पर्सनालिटी प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये सही बात है कि आपका ये अजन्मा जो है ये लीगल आपका कह सकते हैं कि पर्सन नहीं है। लेकिन एक लगाना है, अजन्मे के हित को संरक्षित करने के लिए, यानी कि अनबार्न पर्सन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम कानूनों द्वारा इस अजन्मे को इंटरेस्ट या हित प्रदान किया गया है। और वह कौन कौन से कानून हैं आपको एक एक करके देखना है। पहले हम देखते हैं अजन्मे की स्थिति आपका प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, यानी कि अजन्मे की स्थिति में पहला हम चलेंगे संपत्ति विधि के तहत अजन्मे की स्थिति, यानी कि अनबार्न पर्सन की स्थिति प्रॉपर्टी लॉ के अनुसार क्या है। जब भी प्रॉपर्टी लॉ पढ़िएगा टीपीए का सेक्शन आपका 13 पढ़िएगा, 14 पढ़िएगा और इसकी सप्लीमेंट्री सेक्शन पूरक धारा 20 पढ़िएगा 20। इसके बाद आपका हम हिंदू लॉ में थोड़ा बताएंगे क्या नियम है।
देखिए हिंदू लॉ में पहले देखा जाए थोड़ा बहुत, तब आपका टीपीए में आ जाए। जहाँ तक हिंदू विधि की बात है, हिंदू लॉ के तहत अगर प्रॉपर्टी को पार्सनरी है, को पार्सनरी मतलब कि सहदायकी संपत्ति है या समासिता संपत्ति है, ऐसी दशा में यदि उस प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है और बंटवारा होते समय आपका अगर कोई उस परिवार में गर्भस्थ शिशु है तो उसका भी हिस्सा अलग किया जाएगा, और अगर उसका हिस्सा अलग नहीं किया गया तो वह जन्म ले लिया तो फिर से प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। ये हिंदू लॉ के तहत है। आइए सबसे महत्वपूर्ण है आपका टीपीए के तहत। जहाँ तक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात है, अनबॉर्न पर्सन के बारे में आपका जो दिया गया है सेक्शन 13 है, 14 है और 20 है। देखिए 13 क्या कहता है। टीपीए का सेक्शन 13 पहले पढ़ने से पहले टीपीए का सेक्शन 5 देखना पड़ेगा। टीपीए का जो सेक्शन 5 है वह इंटर वाइवस का सिद्धांत प्रतिपादित करता है, अर्थात ये बताता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो भी ट्रांसफ़र होगा वह लिविंग पर्सन के बीच होगा, यानी कि अंतरण कर्ता और अंतरिती दोनों जीवित होने चाहिए। अब लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। बिहार जे में मेंस में भी ये क्वेश्चन आपका बना था, फिर बताया जाए। बिहार जे में पिछली बार आपका मेंस में भी क्वेश्चन बना था सेक्शन 5, और इसके अपवाद अपवाद आपका 3 सेक्शन है, 13, 14 और 16। 13 क्या है, अनबॉर्न पर्सन के हित के लिए अंतरण, यानी कि अनबॉर्न पर्सन को डायरेक्ट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी नहीं की जा सकती। जब भी अनबॉर्न को करना हो तो एक प्रायर इंटरेस्ट सृजित करना पड़ेगा, यानी कि पूर्विक हित का अंतरण करना पड़ेगा। अब जब अजन्मा जैसे ही जीवित जन्म लेगा उसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ये सेक्शन 20 कहता है। तो आपका कैसा इंटरेस्ट मिलेगा, वेस्टेड इंटरेस्ट यानी कि निहित हित। यानी कि हम देख रहे हैं कि अजन्मे के फेवर में प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसके लिए सेक्शन 13 और 14 मुख्य रूप से टीपीए के बने हैं। आइए अजन्मे की स्थिति देखा जाए आपका। ये अपकृत्य विधि के अंतर्गत अजन्मे की स्थिति देखी जाए। देखिए प्रॉपर्टी में एक और छूट गया, उसको बता दिया जाए भाई। हिंदू लॉ हो गया, टीपीए हो गया, दो जगह से बताया गया आपका। न्यास अधिनियम, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, यानी कि भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के सेक्शन 148, यानी कि आपका 148 में यह प्रावधान किया गया है कि अजन्मे के हित के लिए ट्रस्ट का सृजन किया जा सकता है। यानी कि यहाँ भी अजन्मा आ गया, अनबॉर्न पर्सन। अब आइए ये टाट के अंतर्गत अनबॉर्न पर्सन की हैसियत देखा जाए। जहाँ तक अपकृत के अंतर्गत आपका अजन्मे की स्थिति की बात है, तो फिर वही पैटर्न की कहानी दोहरानी है कि व्यक्तित्व जन्म के साथ प्रारंभ होता है और मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। अतः सामान्यतः आपका ये जो अजन्मा है इसे कोई विधिक व्यक्तित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन कानून अजन्मे के इंटरेस्ट को, हित को संरक्षित करता है। और कैसे संरक्षित,
टाट में किया गया है, हमें टाट में देखना पड़ेगा। देखिए अपकृत विधि के अंतर्गत नियम पहले समझिए। अपकृत विधि के अंतर्गत समस्या ये है कि अगर कोई बच्चा माँ के गर्भ में था, माँ की गलती, पिता की गलती या अन्य किसी व्यक्ति की गलती के कारण उसे कोई क्षति हुई और वह दिव्यांग पैदा हुआ, तो क्या वह पैदा होने के बाद माता अपने माता पिता या अन्य व्यक्तियों से डैमेजेज या क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है कि नहीं? इस विषय पर विवाद था, लेकिन आपका इंग्लैंड में 1976 में कानून बनाया गया, आपका जन्मजात निर्योग्यता दीवानी दायित्व अधिनियम 1976, और इसमें एक प्रावधान किया गया है, यही आपका मुख्य जानना है। अगर किसी शिशु को गर्भ के दौरान नुकसान पहुंचा है और वह पैदा होता है और दिव्यांग पैदा होता है, तो ऐसी दशा में वह ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले से मुआवजा वसूल सकता है, लेकिन कब? जब वह जीवित जन्म ले और जन्म के बाद कम से कम 48 आवर्स यानि कि 48 घंटे तक जीवित रहे। सतर्क रहना, कितने तक जीवित रहे? 48। ये आपका अपकृत विधि के अंतर्गत अजन्मे की स्थिति बताया गया। अब आ जाइए अपकृत के बाद आ जाइए आपराधिक विधि। देखिए आपका क्रिमिनल लॉ के तहत अनबार्न पर्सन की हैसियत क्या है? पिछली बार UPJ में ये जो इसमें से जो क्वेश्चन आया था वह आपका कह सकते हैं कि जे में 299 IPC के सेक्शन से क्वेश्चन आया था। तो फिर एक बार देखिए, क्रिमिनल लॉ के तहत जो अनबार्न पर्सन है उसके हितों की रक्षा की गई है, और आपका कह सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जो आपको पढ़नी है, तो आपका IPC की धारा, CRPC की धारा और आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 को भी देखना है। तो 21 तो उतना भले न जानिए, लेकिन आइए पहले हम CRPC में देखते हैं अनबार्न पर्सन, याद रखे रहेगा, खूब पूछा जाता है ये भी। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का सेक्शन 416 यानी कि धारा 416 देखना है। धारा 416 ये बताती है कि यदि किसी महिला को डेथ सेंटेंस या मृत्युदंड की सजा दी गई है और वह महिला गर्भवती पाई जाती है, तो ऐसी दशा में उच्च न्यायालय उस महिला के मृत्युदंडादेश को आजीवन कारावास में अर्थात लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट करेगा, कर सकेगा नहीं। अब संशोधन करके बाध्यकारी कर दिया गया है, सकेगा नहीं बल्कि क्या लिखा गया है, करेगा, यानी कि इसका मतलब कि हाई कोर्ट क्या है, बाउंड है, बाध्य है। आइए IPC में देखा जाए जन्मा को। IPC के सेक्शन आपका 312 से लेकर 318 तक, फिर एक बार देखिए IPC का सेक्शन 312 से लेकर 318 तक में गर्भपात कारित करना
बालकों को आरक्षित छोड़ना इत्यादि को दंडनीय बनाया गया है। तो ऐसी दशा में अगर कोई शिशु गर्भ में है और आप कह सकते हैं कि ऐसा कुछ करते हैं ताकि वो गर्भ में मर जाए या गर्भ में नष्ट हो जाए, तो ये गर्भपात का अपराध होगा और आईपीसी की धारा 312, 13 इत्यादि में ये दंडनीय है। एक केवल बचाव है कि स्त्री के जीवन को बचाने के लिए गर्भपात अगर आवश्यक है तो कारित किया जा सकता है। यहाँ तक कि नियम है कि जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है वह भी दंड की भागी होगी। अगला देखिए आपका जो पूछा गया था, आईपीसी का सेक्शन 299 का एक्सप्लेनेशन नंबर 3 पूछा गया था। आईपीसी की धारा 299 का स्पष्टीकरण 3 पिछली बार जे में आ चुका है, सतर्क रहना है। देखिए क्या कहता है, यदि कोई गर्भस्थ शिशु है और उसका कोई अंग मां के गर्भ से बाहर आ चुका है तो भले वह पूर्ण रूप से अभी पैदा न हुआ हो, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह 299 में आपराधिक मानव वध माना जाएगा। यानी कि सांस चाहे लिया हो या न लिया हो, अभी पूरी तरह जन्म न लिया हो, तब भी 299 अप्लाई होगी। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार यूपीजे में आया था। अब आइए आपका, यानी कि अनबॉर्न पर्सन की विधिक हैसियत बताई गई। अब आइए मृतक की विधिक हैसियत, यानी कि जो व्यक्ति मर गया है उसका आपका लीगल पर्सन है कि नहीं, क्या वह लीगल पर्सनालिटी रखता है कि नहीं, क्या वह व्यक्तित्व उसे प्राप्त है कि नहीं। फिर वही पैटर्न की कहानी दोहरानी है। पैटर्न ये कहते हैं कि व्यक्तित्व या पर्सनालिटी जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु पर क्या हो जाता है, समाप्त। फिर आपका डायस और ह्यूज क्या कहते हैं, तो डायस और ह्यूज ये कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात, फिर एक बार देखिए, मनुष्य की मृत्यु के पश्चात विधि की मृतक में कोई रुचि नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो डायस एवं ह्यूज महोदय कहते हैं कि अब कानून की इस मृतक शरीर में कोई रुचि नहीं रहती। तो ऐसी दशा में, लेकिन ये सही बात है कि मृतक विधिक व्यक्तित्व नहीं रखता, लेकिन मृतक के हितों की रक्षा के लिए कुछ कानूनी प्रावधान जरूर किए गए हैं। और यहाँ से भी आपका लगातार क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, आईपीसी में देखेंगे, यानी कि मुख्य रूप से आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आईपीसी में भी देखना है और प्रॉपर्टी संबंधी जो आपका कानून है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, यानी कि द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, उसमें भी देखना है। तो एक एक करके आपका चला जाए। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन से उठाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 उठाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21
की विशेषता ये है कि मूल अधिकारों में सबसे छोटा आपका अनुच्छेद है, यानी कि सबसे कम शब्द इसी आर्टिकल में है, मात्र 18 शब्द हैं, यानी कि आर्टिकल 21 में मात्र यानी कि केवल 18 शब्द हैं, लेकिन जहाँ तक अधिकारों की बात है, इससे ज़्यादा अधिकार तो किसी आपका माने अनुच्छेद में समाहित ही नहीं है, यानी कि 18 शब्दों की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पोस्टमार्टम किया, ऐसी व्याख्या की, ऐसा इंटरप्रिटेशन किया कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए, लेकिन किसी आर्टिकल में नहीं है, तो आर्टिकल 21 या मुख्य रूप से 19(1)(a) में वह इस अधिकार को फंडामेंटल राइट घोषित करते जा रहा है। तो आर्टिकल 21 में जो आपको देखना है, परमानंद कटारा वर्सेज भारत संघ, परमानंद कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1989 का केस है, और इसको अच्छे से देखना है। देखिए इस केस में हुआ क्या था, एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा था, दूसरा व्यक्ति आया, उसे अस्पताल पहुंचाया और पुनः अस्पताल से अनुरोध किया कि आप इस घायल को एडमिट करिए। अस्पताल वालों ने ये कहा कि पहले इस घटना की सूचना पुलिस को दी जाए, तब हम इसे एडमिट करेंगे। तत्पश्चात इसी में समय लग गया सूचना देने इत्यादि में, और घायल व्यक्ति की डेथ हो गई। तो परमानंद कटारा ने एक पोस्ट कार्ड लिखा और पोस्ट कार्ड सुप्रीम कोर्ट को लिखा और सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि हजूर इस पोस्ट कार्ड को ही PIL माना जाए और उचित दिशा निर्देश दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा दिशा निर्देश दिया कि मृतक को भी सम्मान का हक है आपका, और पहले इलाज करिए, बाद में पुलिस कार्रवाई हो सकती है, यानी कि पुलिस को सूचना बाद में भी दी जा सकती है, पहले घायल का जान बचाइए, और कुछ दिशा निर्देश प्रतिपादित किया, यानी कि मृतक को भी हक है कि उसका अंतिम संस्कार ससम्मान किया जाए। ये परमानंद कटारा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया गया। संविधान के बाद हमें चलना है आपका विल या वसीयत या इच्छा पत्र पर। जहाँ तक विल या वसीयत या इच्छा पत्र की बात है, आपका इच्छा पत्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति जिंदा है और विल या इच्छा पत्र लिखा है, उसके बाद मर गया, तो कानून उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान करता है, और इन अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए आपका कह सकते हैं कि उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसकी संपत्ति को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, बयानित किया जाता है। इसके बाद आपका मृतक की जो स्थिति है वह IPC में देखा जाए। IPC में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अभी आपका झारखंड APO में पिछली बार पूछा भी गया था, और लगातार क्वेश्चन बनता है। जब भी मृतक की स्थिति आप IPC या आपराधिक विधि के तहत देखिएगा, तो ऐसी दशा में आपका दो सेक्शन याद रखना है IPC का। पहला सेक्शन याद रखना है आपका, तीन सेक्शन याद रखने हैं। देखिए भाई IPC के तीन सेक्शन आपको याद करना पड़ेगा, और यहाँ से वर्तमान में लगातार आपका
क्वेश्चन भी बन रहा है। पहला सेक्शन याद रखिएगा 297, 2 IPC का सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है 297। अगर किसी मृतक के अंतिम संस्कार में बाधा डाली जाए, अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक न किया जाए या अंतिम संस्कार को डिस्टर्ब किया जाए तो यह ऑफेंस होगा और 297 में ऐसे व्यक्ति दंडित होंगे। यानी कि आपका लाश को नोच डालिए, लाश को जलाने ही न दीजिए, आधी लाश जली है लेकर भाग जाइए, या लाश का हाथ काट कर लेकर भाग जाइए, या अंगूठा काट कर लेकर भाग जाइए, तो ये सब 297 का आपका अपराध होगा IPC में। यानी कि लाश की अवहेलना करना, लाश के साथ दुराचार करना इत्यादि, ये 297 में भारत में आएगा। दूसरा देखिए 404 IPC की धारा 404, IPC की धारा 404 ये बताती है कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है और उसके पास कोई चल संपत्ति है और उस मृतक के पास की चल संपत्ति को कोई दूसरा व्यक्ति बेईमानी के इरादे से, डिसऑनेस्टली इंटेंशन से ले जाता है, दुर्विनियोग करता है, उसका मिसयूज करता है, तो ऐसा अपराध आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध होगा और IPC के सेक्शन 404 के तहत ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा। ये भी आपका UP झारखंड दोनों में पूछा गया था, मृत व्यक्ति की संपत्ति का मिसयूज करना कौन सी धारा में है, 404। इसके बाद आपका आता है 499 IPC की धारा 449, IPC की धारा 449 ये बताती हैं मृतक की मानहान, डिफमेशन, आप जो डेथ पर्सन है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मर गया है, क्या उसकी मानहान या उसकी ख्याति को ठेस पहुंचाया जा सकता है कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा पहुंचाया जा सकता है। तो ज़रूर याद रखिएगा मृतक की मानहानि अपराध हैं लेकिन अपकृत नहीं है। ये लगातार क्वेश्चन बिहार बना रहा है, गलत न हो बिहार जे में, मृतक की मानहानि अपराध हैं लेकिन अपकृत नहीं है। दूसरा पूछा जाता है इसी तर्ज पर समूह की मानहानि, तो आपका जवाब रहेगा समूह की मानहानि अपराध हैं लेकिन अपकृत नहीं है। तो दोनों एक साथ पढ़ना है, समूह की मानहानि, मृतक की मानहानि, ये दोनों ऑफेंस हैं लेकिन आपका अपकृत नहीं है। अगला नियम देखा जाए आपका, ये इस प्रकार आपका जो मृतक की विधिक स्थिति थी वह बताया गया। अब हम देखते हैं आपका पशुओं की विधिक स्थिति। जहाँ तक पशुओं की विधिक स्थिति की बात है, जो क्या एनिमल हैं, क्या वे विधिक व्यक्तित्व रखते हैं कि नहीं, अब ये हमें देखना है। जब भी इसको देखिए तो प्राचीन काल से उठाइएगा, प्राचीन काल में पशु पक्षी भी लीगल पर्सनालिटी रखते थे, ये अपने नाम से मुकदमा कर सकते थे और इनके नाम के विरुद्ध भी मुकदमा किया जा सकता था। जैसे कि एक कुत्ता था, कई लोगों को वह डाग काट चुका था,
तत्पश्चात कुत्ते के खिलाफ FIR हुई, कुत्ते को पकड़ा गया, कुत्ता न्यायालय में लाया गया, न्यायालय में बहस चली और ये कुत्ते को मृत्युदंड न्यायालय ने दिया। हुआ कि कुत्ते को उसकी दुम से प्यार है, तो पहले पूंछ या टेल या दुम काटो, फिर कान काटना, फिर पैर काटना, और कुत्ता जितना चिल्लाएगा उतना ही वह अपने अपराध को स्वीकार करेगा। जैसे कि आपका अफगानिस्तान में औरतों का आँख निकाल लो, औरतों को कोड़े मारो, ये जितना चिल्लाएगी इसका मतलब कि अपने अपराध को ये क्या कर रही हैं, स्वीकार कर रही हैं। ये नेल पॉलिश लगाई थी तो ये बिंदी लगाई थी तो ये आपका फाउंडेशन की थी, यानी कि फाउंडेशन है ना जितेंद्र भाई, फाउंडेशन ही ना कहा जाता है, यानी कि ये फाउंडेशन की थी, फाउंडेशन मना है, अतः इसको कोड़े मारिए, आँख पर चमकीली कुछ लगा ली तो आँख निकाल लीजिए, तमाम चीज़ें। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका जानवरों की विधि की स्थिति बताई जा रही है, तो कुत्ते को अंत में क्या किया गया, मार दिया गया। उसी प्रकार आपका आज है कुत्ते के बाद एक और उदाहरण देखा जाए, आपका मुर्गे का उदाहरण देखा जाए। एक मुर्गा सुबह सुबह बहुत बाग दे रहा था, बहुत तेज आवाज़ में बोल रहा था, कई लोगों की नींद खराब कर दिया था, तो ऐसी दशा में उस मुर्गे को पकड़ा गया, उसके खिलाफ़ मुकदमा चला और मुर्गे को मृत्युदंड दिया गया। लेकिन इतिहास गवाह है कि धीरे धीरे आपका एक मैक्सिम काम करना शुरू की, एक्टस नान फैसिट्रियम नाइसी मेंस सिट्रिया, यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इरादा उस कार्य को करने का न हो, और पशुओं में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, अतः ऐसी दशा में पशुओं को धीरे धीरे दंड से मुक्त कर दिया गया। लेकिन पशुओं के हितों की रक्षा के लिए तमाम कानूनी प्रावधान किए गए हैं, और आपका एक एक कानूनी प्रावधानों पर हम आते हैं। आपका देखिए, पहले देखिए आपका ये चिपमैन ग्रे की परिभाषा देखिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। चिपमैन ग्रे महोदय बताते हैं कि पशुओं के अधिकारों, पशुओं पर अधिकारों एवं कर्तव्यों को आरोपित करने का कोई जागृत मिथक नहीं था। इसका मतलब चिपमैन ग्रे कहते हैं कि पशुओं को अधिकार और कर्तव्य उनको दिया जाए, इसके लिए कोई सटीक आपका नियम नहीं मिलता है, कोई जागृत मिथक या झूठ नहीं था। लेकिन पशुओं के हितों की रक्षा के लिए वर्तमान समय में तमाम कानून बने हैं, उन्हीं कानूनों को हल्का हल्का देखना है। पहला IPC देखा जाए, और IPC में आपका ये मिसचीफ देखना है, मिसचीफ यानी कि रिष्टि देखना है, यानी कि 425 से लेकर 440 ये हमें देखना है। देखिए आपका, यदि किसी जानवर का पैर तोड़ दिया जाए, उसको मार दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो ऐसी दशा में ये जो अपराध होगा ये शुद्ध रूप से रिष्टि माना जाएगा, या तो विकलांग करते हैं या आप उसका नष्ट कर देते हैं। जैसे कि मुर्गा है, मुर्गा का पैर तोड़ लीजिए, मुर्गा मार कर खा लीजिए, तो ये कौन सा अपराध होगा, मिसचीफ का, रिष्टि का। और आपका दूसरा IPC में है 377, सेक्शन 377 पर गौर करना है, और इस पर केस भी एक देखना है, नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया।
नवतेज सिंह जौहर वर्सेज भारत संघ के वाद में 2018 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने सेक्शन 377 की कुछ बातों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया इसमें, लेकिन अभी भी आधा बातें बची हैं। देखिए क्या बचा है, क्या अवैध है। अगर कोई मानव पशु पक्षियों के साथ अननेचुरल सेक्स करता है, अप्राकृतिक शारीरिक रिलेशन बनाता है, तो आज भी यह कार्य दंडनीय है। लेकिन अगर कोई मानव दूसरे मानव के साथ आपका अननेचुरल माने शारीरिक संबंध बनाता है, तो अब वह दंडनीय नहीं है। ये पूरा आंदोलन चला और जो गे होते हैं, गे वालों ने आंदोलन चलाया, तो कई देशों में पुरुष पुरुष से विवाह करते हैं, स्त्रियां स्त्रियां से। लेकिन भारत में अभी ऐसा शुक्र मनाइए कि नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जो दिमाग ज़्यादा जिनका चल गया है, वह आज़ादी की क्या करते हैं, मांग करते हैं और दिल्ली से दौड़ते रहते हैं, कभी इस सुप्रीम कोर्ट कभी उस सुप्रीम कोर्ट। और नवतेज सिंह जौहर ने भी ये कर ही दिखाया और आपका क्या किया, अधिकार ले लिया सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि अब तो आगे हमारे बस की बात नहीं है भाई। आगे देखिए, अब आइए अगला देखा जाए तो आईपीसी में रहा आपका पुलिस। अभी 15 मिनट बाद क्लास चलेगा भाई, थोड़ा देखिए आपको सूचित किया जाए कि अभी ब्रेक रहेगा 15 मिनट का, और 15 मिनट के बाद आपका क्लास अभी चलेगा। धन्यवाद, 15 मिनट बाद क्लास चलेगा, फिर कंटिन्यू किया जाएगा। देखिए आपका ये आपका बताया जा रहा था पशुओं की विधिक स्थिति, पशुओं को आपका विधिक स्थिति में हमने आईपीसी में क्या क्या नियम है ये बताया। फिर आपका देखना है पुलिस एक्ट 1861 का सेक्शन 34, यानी कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 में 8 प्रकार के ऐसे यानी कि 8 kinds के ऐसे पब्लिक न्यूसेंस यानी कि लोक उपताप दिए गए हैं, जहां कि पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती हैं। उसमें आपका सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं को वध करने वालों को भी पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, यानी कि ढोर यानी कि एनिमल यानी कि पशु या जानवरों को। इसके बाद आ जाइए, अगर पशुओं के प्रति क्रूरता बरती जाती है तो इसके लिए अलग कानून बना है, पशु क्रूरता अधिनियम 1871, पशु क्रूरता अधिनियम 1871। और अगर जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसके लिए भी अलग कानून बना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इस प्रकार पशुओं की विधिक स्थिति है वह समाप्त हुई। अब आइए मस्जिद की विधिक स्थिति, क्या मस्जिद विधिक व्यक्ति है कि नहीं। तो सर्वप्रथम शहीद मौला बख्श बनाम हनीफुद्दीन के वाद में लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि मस्जिद भी विधिक व्यक्ति हैं, लेकिन इस निर्णय को सेट एसाइड कर दिया गया, उलट दिया गया। और बाद में आपका केस याद रखिएगा, मस्जिद शाहगंज वर्सेज शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी, यानी कि प्रीवी काउंसिल ने पीसी ने 1940 ईस्वी में मस्जिद शाहगंज
वर्सेज शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी के बाद में यह निर्णय दिया कि मस्जिद लीगल पर्सनालिटी नहीं रखती, यानी कि जुरिस्टिक पर्सन नहीं है, अर्थात विधिक व्यक्ति नहीं है। अब आ जाइए आइडियल या देव प्रतिमा या मूर्ति। जहाँ तक मूर्ति की बात है, जो देव प्रतिमा है, मूर्ति है, वह जुरिस्टिक पर्सन है, अर्थात देव प्रतिमा अपने नाम से मुकदमा ला सकती है और इसके नाम के विरुद्ध भी मुकदमा लाया जा सकता है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण अयोध्या मामला रहा, जहाँ की रामलला विराजमान ने भी मुकदमा लाया था और वह वाद के पक्षकार थे। अब केस पूछा जाता है कि किन केसों में मूर्ति को विधिक व्यक्ति माना गया, तो कुछ केस हैं और वही केस आपका याद रखना है, तीन चार केस हैं। देखिए आपका एक एक केस पूछा गया, केस अंडरलाइन कर लीजिएगा। पहला केस है राम ब्रह्म चटर्जी वर्सेज केदारनाथ बनर्जी। राम ब्रह्म चटर्जी वर्सेज केदारनाथ बनर्जी। दूसरा है प्रमथ नाथ मलिक वर्सेज प्रमथ नाथ मलिक। तीसरा है राम ब्रह्म चटर्जी बनाम केदार नाथ बनर्जी। और चौथा जो ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि जो ज़्यादा चांस रहता है, वह है विद्यापूर्ण तीर्थ स्वामी वर्सेज विद्यानिधि तीर्थ स्वामी। इसमें देव प्रति इन सभी वादों में देव प्रतिमा को विधिक व्यक्ति माना गया। आइए अब देखा जाए गुरुद्वारा या गुरु ग्रंथ साहब। गुरुद्वारा या गुरु ग्रंथ साहब को भी विधिक व्यक्ति माना गया है और दो इसमें केस याद रखना है, यह केस भी पूछा जाता है। पहला केस है पीतम दास महंत वर्सेज, यानी कि पहला केस है पीतम दास महंत वर्सेज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति। और दूसरा केस है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति वर्सेज अमृतसर। इन दोनों केसों में गुरुद्वारा या गुरु ग्रंथ साहब को विधिक व्यक्ति माना गया। अब आइए हम देखते हैं कॉरपोरेशन के बारे में, यानी कि किसको विधिक व्यक्ति माना गया, किसको नहीं, ये बताया गया। अब हमें कॉरपोरेशन के बारे में देखना है, अर्थात निगम के बारे में देखना है। निगम होते क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, इनका नेचर क्या होता है, और इसमें केस दो हम बताएंगे। कम से कम दोनों केस जरूर याद करके जाइए, इन केसों से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यानी कि निगम जो होता है वह व्यक्तियों का समूह होता है जो व्यक्तियों के हैसियत से पृथक हैसियत रखता है, जैसे कंपनी हो गया, कोई क्लब हो गया, फर्म इत्यादि। तो ऐसी दशा में निगम दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल यानी कि एकल निगम और दूसरा ज्वाइंट यानी कि संयुक्त निगम। एकल निगम में एक समय में एक ही व्यक्ति होता है, जैसे इंग्लैंड का सम्राट हो गया, और संयुक्त निगम में एक समय में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। पहला जो केस आता है कि क्या जो कॉरपोरेशन है, कंपनी है, निगम है, क्या यह विधिक व्यक्ति हैं कि नहीं, इस बारे में कम से कम दो केस जरूर याद रखिए।
बार बार ये क्वेश्चन बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है आपका जुरिस्प्रूडेंस में। पहला है सालोमन वर्सेज सालोमन एंड कंपनी 1897। फिर एक बार देखिए, सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी 1897 का केस है। इस केस में क्या कहा गया? इस केस में आपका 7 पर्सन थे एक ही कुनबे के, कुनबे यानी कि परिवार के, जूता की फैक्ट्री कंपनी बनाई गई, जूता का व्यापार होने लगा, आपका शेयर जारी किया गया, लोगों से कंपनी के नाम पर उधार लिया गया, तत्पश्चात आपका कंपनी बैठ गई, डूब गई, और सालोमन जो मुखिया था उसने क्या किया कि पूरा पैसा हड़प लिया। जो शेयर होल्डर थे वो आए और कहे कि यहीं सालोमन ने ही पैसा हड़पा है। तो न्यायालय ने ये कहा कि जो निगम होता है वह एक सेपरेट पर्सनालिटी रखता है, यानी कि अलग विधिक व्यक्तित्व रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि सालोमन अलग व्यक्ति हो गया और सालोमन एंड कंपनी अलग व्यक्ति। तो आपका ये पूछा जाता है पहला क्वेश्चन कि किस केस में आपका निगम को पृथक व्यक्ति माना गया, तो सालोमन के केस में, या दूसरा किस केस में माने कंपनी बनाने वाले और कंपनी को पृथक पृथक हैसियत प्रदान की गई, तो सालोमन। तत्पश्चात इसका मिसयूज अब होने लगा, इंग्लैंड में लोग कंपनी बनाते थे, कंपनी के नाम पर उधार लेते थे, खुद ही पैसा डकार जाते थे और आपका और कंपनी को जिम्मेदार ठहराते थे। तत्पश्चात इस कपट को रोकने के लिए एक दूसरा केस आया और वह केस भी याद रखना पड़ेगा, डेमलर कंपनी लिमिटेड। अच्छे से इसको तैयार रखिए, लगातार जे में आ रहा है, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेज कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। फिर एक बार देखिए, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेज कॉन्टिनेंटल टायर एवं रबर कंपनी का केस आया, जिसमें कि लिफ्टिंग द कॉरपोरेट विल, यानी कि लिफ्टिंग द कॉरपोरेट विल का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इसको कहते हैं निगमन के आवरण को हटाने का सिद्धांत या अवगुंठन का सिद्धांत, अवगुंठन का सिद्धांत, पर्दा हटाने का सिद्धांत। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कुछ दशाओं में कंपनी और व्यक्ति के बीच में जो पर्दा लगा है उसको हटाया जाएगा और कंपनी के कार्य के लिए व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इंग्लिश वर्जन याद रखिए, निगमन के आवरण को हटाने का सिद्धांत, इंग्लिश वर्जन में लिफ्टिंग द क्या कॉरपोरेट बिल। आइए देखा जाए इसका सामाजिक उदाहरण। सबसे अच्छा सामाजिक उदाहरण करंट में आपका शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का है। आइए देखा जाए कि राज कुंद्रा का आपका कारनामा। राज कुंद्रा पर्दे के आगे आते हैं, बीच में पर्दा लगा है तो पर्दे के आगे आते हैं, लच्छेदार हैं, बातें करते हैं और लोग उनकी बातों का अनुसरण भी करते हैं, लेकिन जैसे ही पर्दा गिरता है पर्दे के पीछे जाते हैं और अश्लील वीडियो और तमाम लड़कियों का शोषण करते हैं। यानी कि एक दुखद स्थिति ये है कि ग्लैमर की दुनिया में आपका इतना शोषण होता है और धीरे धीरे ये शोषण खुलता है और आपका पर्दा हटा तो पर्दे के आगे सब कुछ सही, लेकिन पर्दे के पीछे क्या है? तो पर्दे के पीछे अनैतिकता है, अनैतिकता है, दुराचार है, छेड़खानी है,
मी टू यानी कि आपका मी टू है। मी टू का मतलब बता दिया जाए, हाँ मी टू मतलब मुझे भी। ये अमेरिका से उत्पन्न हुआ। अमेरिका में एक औरत ने लगातार कई पुरुषों पर आरोप लगाया कि मुझे भी छेड़ा, मुझे भी छेड़ा। तो इस समय फिल्मी दुनिया में मी टू चल रहा है। कोई स्त्री या मॉडल या हीरोइन आती हैं, किसी पुरुष पर आरोप लगाती हैं, एक्टर पर, कि मुझे भी छेड़ा, तो उसका देखा देखी तमाम औरतें उस पुरुष पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि मुझे भी छेड़ा, मुझे भी छेड़ा। आपका सही है ना जितेंद्र भाई? देखिए आपका, तो लिफ्टिंग द कॉरपोरेट बिल या घूंघट हटाने का सिद्धांत जरूर याद रखिएगा, या आवरण के हटाने का सिद्धांत। आइए, चूंकि निगम दो प्रकार का होता है, एक एकल निगम और दूसरा संयुक्त निगम, तो एकल निगम में एक ही व्यक्ति रहता है और संयुक्त निगम में एक से अधिक। आपका सामंड की परिभाषा याद रखनी है, ये परिभाषा ज़्यादा पूछी जाती है। देखिए सामंड के अनुसार भाई, सामंड और ग्रोवर दो परिभाषाएं याद रखिएगा निगम पर। देखिए सामंड क्या कहते हैं, एकल निगम क्रमगत व्यक्तियों का एक निगमित क्रम है, यानी कि एकल निगम क्रमागत व्यक्तियों का एक निगमित क्रम है। और फिर ये कहते हैं, यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, सामंड का जो ये कोटेशन है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है कि जीवित पदाधिकारी आता है और जाता है, लेकिन विध की यह संतत माने परिकल्पना या कृति वहीं बनी रहती है। यानी कि व्यक्ति आता है जाता है, लेकिन जो ये निगम है ये नहीं आता जाता, ये वहीं बना रहता है। जैसे कि मान लीजिए, और ग्रोवर महोदय तो एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक कदम आगे बढ़कर बताते हैं कि एक कंपनी थी, कंपनी के सब डायरेक्टर जुटे थे और कंपनी के जहां डायरेक्टर सब जुटे थे, बम विस्फोट होता है, सारे कंपनी के निदेशक मारे जाते हैं, तो क्या कंपनी भी मार दी गई? नहीं। क्यों? क्योंकि सालोमन के केस में बता दिया गया था कि निदेशक अलग और कंपनी अलग। तो चाहे व्यक्ति बम विस्फोट का उदाहरण पूछे, तो आपका ग्रोवर मारिए, और जीवित पदाधिकारी आता है जाता है पूछे, तो सामंड मारिए। ये क्वेश्चन ज़्यादा बना है, इसी को कोरिलेट कर लेना है, कॉन्ट्रैक्ट में भी कोरिलेट कर लेना है। एंसन महोदय की परिभाषा में, संविदा अधिनियम में एंसन महोदय भी बारूद की बात करते हैं, और अफगानिस्तान से भी समय कोरिलेट कर लेना है, वहाँ भी आपका बारूद ही बरस रहा है। यानी कि एंसन महोदय ये कहते हैं कि जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वह प्रामिज बन जाता है, और ऐसी दशा में उसका प्रभाव बारूद भरी ट्रेन के समान होता है। जिस प्रकार एक बारूद भरी ट्रेन है, एक माचिस की तीली जलाकर फेंकी गई, पूरा बारूद जलकर राख राख हो गया, पुरानी कंडीशन में बारूद को वापस नहीं लाया जा सकता, उसी प्रकार प्रपोजल है, जब एक बार व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर लिया तो वह बंध गया, यानी कि अब उसकी जिम्मेदारी उत्पन्न हो गई। बंध गया मतलब क्या? जिम्मेदारी उत्पन्न हो गई। जो विधिक व्यक्तित्व के लास्ट में आपको पढ़ना है, विधिक व्यक्तित्व के सिद्धांत। देखिए सिद्धांत से आपका कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, एक तो प्रतिपादक याद रखना है,
पांच सिद्धांत हैं और आपका ये पांचों सिद्धांत प्रतिपादकों सहित लिखना है और कौन सिद्धांत समानार्थी हैं, कौन क्या है, कहां से क्या क्वेश्चन बना है, ये भी हम बताएंगे। लास्ट में आपका लास्ट अब चल रहे हैं भाई, लास्ट में आपका सिद्धांत बताया जाए। ये पहला जो विधिक व्यक्तित्व या निगमन का जो सिद्धांत है वह फिक्शन थ्योरी है। पहला फिक्शन थ्योरी, फिक्शन थ्योरी का मतलब हुआ कल्पितार्थ सिद्धांत। कल्पितार्थ सिद्धांत या परिकल्पना वाला सिद्धांत, कल्पितार्थ सिद्धांत या परिकल्पना का सिद्धांत या मिथकीय सिद्धांत, मिथकीय। इंग्लिश वर्जन याद रखे, कई बार पूछा गया फिक्शन थ्योरी किससे संबंधित है, तो आप लीगल पर्सनालिटी से मारिएगा। या इसके जो आपका समर्थक हैं मुख्य रूप से ज़्यादा लोग हैं, आपका सेवनी महोदय भी हैं, सेवनी भी हैं, आपका सामंड भी है, यानी कि मुख्य जो इसके प्रवर्तक हैं वह सेवनी भी हैं, सामंड भी हैं। यह सिद्धांत जो है सबसे उत्तम माना जाता है, अर्थात सबसे अच्छा माना जाता है। याद रखिएगा, पूछ ले सकता है कि कौन सा सिद्धांत सबसे अच्छा है, तो फिक्शन थ्योरी। दूसरा सिद्धांत हम देखते हैं ब्रैकेट थ्योरी। दूसरा सिद्धांत है ब्रैकेट थ्योरी, ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक सिद्धांत, कोष्ठक कोष्ठक सिद्धांत, या इसी को कहते हैं प्रतीक सिद्धांत, प्रतीक प्रतीक सिद्धांत, या आपका प्रतीकवादी सिद्धांत, सिम्बोलिक थ्योरी। क्वेश्चन बनाए भाई, इसको कहते हैं या तो ब्रैकेट थ्योरी या एक और नाम से जाना जाता है, पूछा गया है सिम्बोलिक। तो क्वेश्चन ये बना है कि किस सिद्धांत को सिम्बोलिक सिद्धांत भी कहा जाता है, तो क्या याद रखना है, ब्रैकेट थ्योरी यानी कि कोष्ठक सिद्धांत। फिर इसके प्रतिपादक पूछे जाते हैं इहरिंग, यानी कि इसके प्रतिपादक कौन है, या इसके मैंने कह सकते हैं कि इसके फादर कौन है, मिलाने के लिए आता है भाई सब विद्वान। याद रखिए, इसके आपका प्रतिपादक कौन है, इहरिंग। तीसरा है रियलिस्ट थ्योरी या यथार्थवादी सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है वह यथार्थवादी सिद्धांत या रियलिस्ट थ्योरी, या इसको दूसरी भाषा में जो कहा जाता है कायिक सिद्धांत, कायिक, कायिक यानी कि ऑर्गेनिक। इसका आपका जो याद रखिए, या तो रियलिस्ट थ्योरी या ऑर्गेनिक थ्योरी, इसके जो प्रतिपादक हैं पूछे गए हैं गियर के, गियर के, गियर के हैं। चौथा आपका सिद्धांत है कंसेशन थ्योरी। कंसेशन थ्योरी का मतलब आपका रियायत का सिद्धांत। चौथा है रियायत का सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक हैं आपका सेवनी महोदय हैं, फिर आपका सामंड महोदय हैं। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या बनता है भाई, रियायत के सिद्धांत में ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा सिद्धांत किसका सहवर्ती है। तो जो फिक्शन थ्योरी थी, रट डालिएगा, या चुका है,
जो फिक्शन थ्योरी थी या जो कल्पना का सिद्धांत था, कल्पितार्थ सिद्धांत था, उसी से जुड़ा हुआ कंसेशन थ्योरी या रियायत का सिद्धांत है। जो विद्वान फिक्शन थ्योरी के सपोर्टर हैं, वही विद्वान किसके सपोर्टर हैं? रियायत। तो दोनों आपका क्या है? दोनों को सहवर्ती माना जाता है। ये क्वेश्चन भी जे में आ चुका है। लास्ट देखिए, पर्पज थ्योरी का मतलब हुआ आपका उद्देश्य का सिद्धांत या प्रयोजन का सिद्धांत। पर्पज थ्योरी ये भी मिलाने के लिए आता है। ब्रिंज, इसके प्रतिपादक ब्रिंज महोदय हैं। देखिए, अब समझाने का ज़्यादा समय नहीं रहा इसमें आपका, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में इनको बताया गया। और इस प्रकार आपका जो विधि शास्त्र की क्लास थी आज पूरी तरह समाप्त होती है। और लास्ट में आपको सलाह भी एक दे दी जाए, चाहे आप माने या न माने, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। क्योंकि जुरिस्प्रूडेंस पूरी तरह डिटेल में बताया गया है, तो आपका ये कर्तव्य है कि जो साल्व पेपर जितने हो या अनसाल्व, उसको पूरी तरह साल्व कर डालिए, ताकि एक बार जब पूरा पढ़ा दिया गया है तो एक बार आपका भी कर्तव्य है कि क्वेश्चनों को साल्व करिए। 15 में 13 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन का भरोसा नहीं है भाई। 100% हम भी सक्षम नहीं है कि 100% पढ़ा दें, जितना सक्षम है उतना हम पढ़ा रहे हैं और आगे भी आपको पढ़ाया जाएगा। फिर लास्ट में एक कहावत भी कह दिया जाए भाई। देखिए, आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार का जो सृजन किया गया है फेसबुक पर, इसका मुख्य उद्देश्य या मेन पर्पज ही यही है कि जो छात्र गरीब हैं, दुखी हैं, निर्धन हैं, जिनके पास संसाधनों का अभाव है, वो भी पढ़ सकें। क्योंकि व्यंग में ये कहा जाता था कि न्यायालय और ताज होटल तो सबके लिए खुले हैं, लेकिन उसमें जाता वही व्यक्ति हैं जिसकी जेब भारी हो। तो इस परिवार का सृजन ही इसलिए किया गया कि जिसकी जेब हल्की हो वो भी पढ़ ले। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कहावत को ध्वस्त करने के लिए PIL का जन्म किया, लोक हितवाद को जन्म दिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा प्रतिपादित की। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने ये ग्रुप बनाया, तो आप भी इसका पूरा लाभ उठाइए। और मनोज पांडे सर इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और लगातार कोई न कोई सब्जेक्ट, ये वादा करते हैं कि लगातार कोई न कोई सब्जेक्ट पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।